सुबह पढ़ो या रात को, दिल में हमेशा रखो इस बात को, सफल बनाना है अपने आप को। मोस्ट वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। आइए, हम लोग लेकर के आ गए आप लोगों के लिए फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जिसमें सबसे अधिक आप लोगों को कंफ्यूजन होता था ना, एकदम समाप्त हो जाएगा 20 मिनट के अंदर आप लोगों का पूरा फैक्टराइजेशन चैप्टर। यहां पर एकदम बेसिक से लेकर के फैक्टराइजेशन एकदम लास्ट तक चलेंगे हम लोग। ये क्लास 8 के बुक से लिया गया है, 6 में भी कुछ थोड़े पार्ट में दिया गया है, 7 में भी दिया गया है और 8 में भी दिया गया है। उसके बाद आप जब तक मैथमेटिक्स से दोस्ती रखेंगे तब तक इस चैप्टर को यूज करेंगे। आइए देखते हैं फैक्टराइजेशन के अंदर किन किन बातों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फैक्टराइजेशन। व्हाट इज फैक्टर? एक शब्द है फैक्टर। फैक्टर मतलब अगर कोई अंक ले लिया जाए, जैसे कोई अंक ले लीजिए आप, मल्टीपल फैक्टर की बात करेंगे यहां पे। देखिए जैसे कि नेचुरल नंबर ले लें। हाँ, सबसे पहले नेचुरल नंबर से समझते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर अगर हम लेंगे, ठीक, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, चलते चले जाएंगे लास्ट तक। अब देखिए ये नेचुरल नंबर जो यहां तक चला जाएगा, ये इस नेचुरल नंबर के अंदर हम किसी भी अंक का अगर फैक्टर करेंगे तो दो अंक सेम होंगे। सभी फैक्टर में दो अंक सेम होंगे। कौन से? पहले किसी भी अंक में दो अंक होंगे। कौन सा? एक तो होगा 1। हर एक अंक का फैक्टराइजेशन में 1 जरूर आएगा, क्योंकि स्वयं किसी और स्वयं दूसरा क्या होगा? सेल्फ नंबर। जिस नंबर का भी हम फैक्टर निकालेंगे वो स्वयं नंबर अपने आप का फैक्टर होगा और 1 होगा। जैसे मैं ले लीजिए आप 18 का, 18 नेचुरल नंबर है। देखिए 18 का अगर हम फैक्टर निकालने की बात करेंगे तो 18 × 1 अगर करेंगे तो 18 होगा। गुड, 1 × 18 कर सकते हैं, 18 होगा। अब बात करेंगे 2 से, क्योंकि 1 का सेवा समाप्त है यहां पे। अब 2 से बात करेंगे, 2 के टेबल में 18 आएगा, 9 times आएगा। गुड, 9 times में आएगा। अपने माइंड में सिर्फ 2 रखना है, 1 के बाद क्या आएगा? 2। 2 में 9 times में 18 आएगा, तो फिर 9 के भी तो टेबल में आना चाहिए, तो 9 के टेबल में 2 times में 18 आएगा। ये बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब बात करेंगे 3 से। ठीक, 3 के टेबल में आएगा क्या? हाँ, 3 × 6 = 18, 6 times में 18 आ जाएगा। ठीक, तो 6 के भी टेबल में आना चाहिए, 3 times में 18। आप समझ पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, अब 4 से बात करेंगे, तो 4 के टेबल में 18 आएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 नहीं आएगा। गुड, 5 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 6 के टेबल में आएगा? हाँ आएगा, तो 6 के टेबल हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब उम्मीद है ये कि और किसी टेबल में नहीं आएगा, तो क्या ये बात सही आ गया कि इसमें एक और 18 आया 18 के टेबल में इटसेल्फ? देखिए 18 का जो हम लोग यहां पर फैक्टर निकाल रहे हैं, जो 18 का फैक्टर हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो 18 के टेबल में स्वयं 18 आया और 1 के भी टेबल में 18 आया। ये एकदम कंफर्म है, हर एक फैक्टर, जिस भी अंक का फैक्टर आप निकालेंगे इटसेल्फ उसका फैक्टर स्वयं होगा और 1 उसका फैक्टर जरूर होगा। देखिए अब 18 का फैक्टर कौन कौन है? 18 का फैक्टर कौन कौन है? 1 के टेबल में आ गया 18, 2 के टेबल में आया, 3 के टेबल में आया, 4 के टेबल में नहीं आया 18, 5 के टेबल में आया नहीं आया, 6 के टेबल में आया 18, 7 में भी नहीं आया, ठीक, 8 के भी नहीं आया टेबल में, 9 के टेबल में आ गया 9 × 2 = 18 और 18 के टेबल में आ गया 18। तो ये जो भी 18 के फैक्टर हम लोगों को यहां पर मिले वो कौन कौन थे? 1, 2, 3, 6, 9 and 18। ये आप लोगों को समझ में आ गया किसी भी अंक का फैक्टर कैसे निकालते हैं? फैक्टर क्या होता है, मतलब किसी एक अंक को कितने लोगों से गुणा करने पर वो अंक बन जाएगा,
या कितना उसका गुणनखंड किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा इस चीज को आप अगर समझ गए हैं तो जिस तरीके से नेचुरल नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे थे, ठीक, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक, एल्जेब्रिक नंबर पर भी हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर एल्जेब्रिक नंबर से भी करके देखेंगे। एल्जेब्रिक नंबर में अगर देखा जाए तो एल्जेब्रिक में ले लीजिए आप 3xy ऐसा ले लेते हैं, ठीक, एक टर्म ये हो ना, ये तो ये है एक टर्म है सिंगल मोनोमियल का, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलीनोमियल, ये सब पढ़े हैं ना। हाँ, एल्जेब्रिक का मैंने चैप्टर अपलोड किया है, उसमें भी आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए इसमें फैक्टर क्या होगा, ये 3 होगा, 3 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है, 3 का फैक्टर 3 होगा, देख लीजिए यहां पर 3 का फैक्टर 3 होगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो भी 3 होगा और 1 इंटू 3 करेंगे तो भी 3 होगा। तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 1 हो सकता है, हो सकता है क्या, ऑलरेडी होगा 1 होगा और स्वयं सेल्फ नंबर होगा 3 होगा, और इसके फैक्टर कौन होंगे, एक्स होंगे, और इसके फैक्टर कौन होंगे, वाई होंगे, क्योंकि 1 से अगर इंटू करेंगे एक्स में तो भी एक्स आएगा, 1 से इंटू करेंगे वाई में तो भी वाई आएगा, 1 से इंटू करेंगे 3 में तो भी 3 आएगा, 3 का इंटू 1 में करेंगे तो भी 3 ही रहेगा, ठीक है, और 3 का अगर इंटू करेंगे एक्स में तो 3x हो जाएगा, 3 का इंटू करेंगे वाई में तो 3y हो जाएगा, 3xy को अगर फैक्टराइज किया जाए तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 1 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ये फैक्टर होंगे किसके, 3xy के। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो चलिए आगे चलते, आइए करके देखते हैं फैक्टराइज इज ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों लोगों का फैक्टराइज करके हम लोग देखने वाले हैं यहां पे, ठीक है, फैक्टर कैसे करेंगे। देखिए फैक्टर में सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर कुछ चीजों को और हम लोगों को जान लेना चाहिए, जैसे हाईएस्ट, ठीक, एचसीएफ, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन को अगर की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें इसका कैसे पूरा फैक्टराइज करना है। देखिए फैक्टराइज करिए तो कुछ चीजों को बाहर ले लीजिए, कुछ चीजों को बाहर ले लीजिए, जैसे अगर यहां पे है 4x+20 यहां पर दिया हुआ है तो इसमें से आप लोगों को हाईएस्ट कौन सा अंक लग रहा है जो दोनों में हो, जो दोनों के साथ में हो। देखिए हाईएस्ट में क्या, एचसीएफ की अगर बात करेंगे तो एचसीएफ में देखिए अगर 20 का अगर की 4 का लीजिए तो 2 से करेंगे तो यहां पर 10 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 से अगर फैक्टराइज करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहां पे 5 हो जाएगा, ठीक है, तो 5 बच गया। तो अब इसके बाद अगर 1 से करेंगे, 1 से तो करेंगे नहीं, 5 से करेंगे तो ये नहीं जाएगा, 1 से करेंगे तो ये नहीं जाएगा, ये जाएगा लेकिन 1 से करेंगे नहीं इसमें। अब इसमें क्या देखेंगे हम लोगों को हाईएस्ट एचसीएफ में क्या मिल गया, 2 × 2 मिला क्या, 4। अब ये 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे, मतलब कि 4 दोनों के पास है, इसके भी पास है और इसके भी पास है। अब बचा क्या क्या, इनके पास बचा एक्स प्लस, इनके पास क्या बचा, 4 का कितने टाइम में 20 होगा, 5 टाइम में, कितना बचा हुआ है, 5 टाइम में। आप समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसमें क्या है, 5 टाइम में ये फैक्टराइज होकर के कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x+20 = 4x+5, ये हम लोगों ने फैक्टराइज करके यहां पे तोड़ दिया। अब इससे ज्यादा इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अब उसी बेस पर देखिए एक यहां पर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, जैसे 3x² है, अब यहां पर 3x² और y है, यहां पे क्या है -6xy² है, इसमें और इसमें सेम क्या है, सेम क्या है, इसमें 3 है, देखिए 3 का भी कर लीजिए, 3 और 6 का अगर फैक्टराइज लेंगे तो यहां पर 2 से लेंगे तो इसमें नहीं जाएगा, तो 3 से अगर करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है, यहां पर 2 बच गया और यहां पर मिला क्या, कॉमन क्या मिल गया हम लोगों को, 3। 3 जो अंक है वो दोनों लोगों के पास है, देखिए इसके इसके अंदर 3 है, ये 3 का फैक्टर है, तो ये 3 का ऑलरेडी फैक्टर है, तो यहां पर हम 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक, अच्छा और क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे तो इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, चलिए इसमें 2x है, x के पावर 2 है, तो 2x है, मतलब x इंटू x हुआ ना, x के पावर 2 हुआ, तो
इनके पास दो एक्स है लेकिन इनके पास सिंगल एक्स है, तो एक ही एक्स लेंगे भाई, दोनों टर्म में से हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां हम बात करेंगे वाई की, इनके पास अब वाई सिंगल है, इनके पास डबल है, इनके पास वाई स्क्वायर का मतलब वाई इंटू वाई हो गया, तो एक वाई इनका ले लेंगे, एक वाई इनका ले लेंगे, क्योंकि दोनों के पास इनके दो वाई, वाई स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि इनके पास वाई ही है, वाई स्क्वायर है ही नहीं। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोगों को इन, इस टर्म में बचा क्या, कॉमन लेने के बाद एक एक्स ले लिया और थ्री ले लिया, तो एक एक्स बचा, वाई तो ले ही लिया, तो बचा क्या, एक्स बचा, सिर्फ इस टर्म के अंदर क्या बच गया है, एक्स, समझ पा रहे हैं आप, सिर्फ एक्स बच गया है। अब इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया माइनस, ये माइनस बचा भाई, और ये यहां पर देखेंगे थ्री के किस कितने टाइम टेबल में सिक्स हो जाएगा, टू में जाएगा, यहां पर बच गया टू, यहां पर देखिए टू बचा था ना, ये टू बच गया, और x तो ऑलरेडी एक था तो कॉमन ले लिए हैं, एक y ले लिया है तो एक y बच गया, टू वाई। ये जो फैक्टराइजेशन हम लोगों को मिला है, अब हम लोग लिख सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस सिक्स एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू थ्री एक्स वाई कोष्टक के अंदर x माइनस टू वाई। ये लिखना गलत नहीं होगा क्योंकि ये जो आया है यही हम लोगों का फैक्टर है, हम लोगों ने तोड़ करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आइए और कुछ नए क्वेश्चन को देखेंगे, वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को बने रहना है। यदि अभी तक समझ में आया और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करिए। जो चीजें आप लोगों को नहीं आ रही है, हम नेक्स्ट वीडियो में जिन चीजों को आप समझना चाहते हैं और हम कुछ चीजों को यदि छोड़ दे रहे हैं, तो उन सारी चीजों को कमेंट बॉक्स में आप डालिए, क्योंकि उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब अगला वीडियो बनेगा तो उसमें सारी चीजों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए फैक्टराइज हम लोग करके देखे हैं 4x + 20 का और 3x² y माइनस 6xy² का जब फैक्टराइज किया गया, 4x + 20 का क्या मिला, 4x + 20 का 4 एक क्वेश्चन में x + 5 मिल गया है, 3x² y माइनस 6xy² का क्या मिला है, 3xy कॉमन निकला था और x माइनस 2y हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर मिल गया। अब देखिए इसमें क्या है, ये सारी फैक्टराइजेशन अभी छोटी है, अब यही चीज और बड़े लेवल पर हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है, बने रहिए अभी देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को हम लोग और अच्छी तरह से समझेंगे कि जैसे कि बहुत बड़ा भी देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक बच्चों, इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है, इसमें एक्स वाई बी ए जो मिल रहे हैं आप लोगों को इनसे बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं, थोड़ा सा बस इसमें समझने वाली बातें हैं कि हम लोग इनके साथ में क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि दोनों टर्म के अंदर, ठीक है, दोनों लोगों के अंदर क्या क्या सेम है, यहाँ पर 7a है या 5b है तो कोई मैटर नहीं बना सेम का, ठीक है, कोई बात नहीं, 7a को छोड़ देते हैं 5b को छोड़ देते हैं, उनके साथ में कुछ और लोग हैं। देखिए यहाँ पर 2x - 3y है, यहाँ पे क्या है, अरे सेम मिल तो गया, देखिए यहाँ पर 2x - 3y और यहाँ पर 2x - 3y, ठीक है मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 2x - 3y को हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन मतलब दोनों में, कॉमन मतलब दोनों में ले लेंगे, 2x - 3y उसमें भी मिल गया, 2x - 3y इसमें भी। अब इसको हम यार लोग यहां पर लिख सकते हैं 2x - 3y को एक साथ रख लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत है, क्योंकि दोनों में है भाई, अब इनका कहानी समाप्त, इन लोगों को हम लोगों ने एक साथ में रख लिया, अब बचे कौन है उनको एक साथ में रख लेते हैं, कौन बचा है 7a और कौन बच गया +5b। एक बात बोले ये सॉल्व हो गया, गुड, ये देख लो आपको यदि समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, हमको पता था कि आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन ये सॉल्व हो गया भाई, इसकी फैक्टराइज हो गई, फैक्टराइज ये कंप्लीट हो गया, हम लोग 7a 2x - 3y +5b 2x - 3y को यहां पर लिख सकते हैं एक कोष्टक में 2x - 3y, ठीक, और दूसरे में 7a +5b, ये कंप्लीट हो गया।
आइए इस तरीके को क्वेश्चन और करके देखते हैं और इससे बड़े क्वेश्चन को भी यहां पर समझ के देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो यहां पर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। देखते हैं इसके साथ में क्या क्या हम लोग यहां पर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम लोग लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं हम लोग। देखिए एक्स स्क्वायर है यानी कि 2x है, एक एक x इसमें ले लीजिए, x प्लस 4 ले लीजिए और एक x माइनस 4 ले लीजिए। यहां पर क्यों ले लिए भाई, ऐसा क्यों कर लिए समझिए। अगर x का इंटू x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 16 का इंटू 4 का इंटू 4 में करेंगे तो 16 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इससे आप सहमत हैं? गुड, आप x प्लस 4 और x माइनस 4 दो टर्म में बांट लिया हम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से यहां पे इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16 को देख लीजिए आप यहां पर। देखिए अब इसको क्या करेंगे, एक बार इसका गुणा कर लेते हैं। इसमें से देखिए कौन कौन बाहर निकल रहे हैं, एक्स एक्स का इंटू कर दीजिए किसमें, एक्स माइनस 4 में। ठीक है, आइए एक बार और देख लेते हैं किसका। अब यहां पर 4 ले लीजिए, ठीक है, प्लस 4 का ले लीजिए, 4 का भी कर लीजिए एक्स माइनस 4 में। ठीक है, कोई दिक्कत, गुड। यहां पर अब इसको हम इसका गुणा इसमें भी करेंगे, अब इसमें भी करेंगे, करके देखिए। जब x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x का गुणा माइनस 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुणा माइनस, ये माइनस हो गया, x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x हो जाएगा। कोई दिक्कत, गुड। यहां पर 4 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4x, यहां पे प्लस है। अब यहां पे प्लस 4 का माइनस 4 से करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 16, 4 या 16। कोई समस्या अभी तक, गुड। अगर कोई समस्या नहीं है तो ये माइनस 4x को प्लस 4x से काट दीजिए, गुड। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बचा क्या भाई, x स्क्वायर माइनस 16। हम लोगों को यही तो फैक्टराइज करके दिखाना था, ये हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया। ये क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया x, एक कोष्टक में x माइनस 4 प्लस 4 को एक बार में प्लस 4 से इंटू कर दिया x माइनस 4 को, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x माइनस 16, x स्क्वायर माइनस 16 का फैक्टराइज इस तरीके से हम लोगों ने कर दिया। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं डिवाइड, फैक्टराइजेशन में डिवाइड कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन भाई, देखने में सिर्फ बड़ा लग रहा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इस पर हम लोग समझने वाले हैं कि डिवाइड कैसे करेंगे, एक एक पार्ट को इसमें सीख लेंगे कि डिवाइड कैसे किया जाता है, किस साइन को चेंज करने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं इसमें। देखिए डिवाइड की अगर बात करें तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लीजिए, एकदम स्क्वायर वाला एक साथ अलग कर लीजिए, माइनस एक्स को एक साथ में कर लीजिए। अरेंज कैसे करेंगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर, अब यहां पर लिख लेंगे माइनस 8x माइनस 20। क्यों ऐसा कर दिए भाई, आसान कर दिए, बात तो वही है, बात तो यही है, माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो, माइनस 20। अब इसको डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड करना है किससे, एक्स प्लस 2 से। ठीक, चलिए करते हैं, जैसे था ना 16 को अगर डिवाइड करना रहता था 4 से तो ऐसे करते थे, कैसे करते थे, 16 में 4 से डिवाइड कर देते थे, 4 या 16। अब वो वाला कहानी समाप्त, यहां पर हम लोग देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन में डिवाइड कैसे किया जाता है। फैक्टराइजेशन में डिवाइड करने का, देखिए यहां पर इसका ऐसे साइन बना लेंगे, ठीक है, ऐसा साइन बनाने के बाद क्या करेंगे, जिससे डिवाइड करना है वो यहां होगा, ऑलरेडी यहां पर है। ठीक, अब जिसमें डिवाइड करना है वो इसके अंदर होगा, तो हम लोगों ने जो अरेंज करके रखा है यहां पर इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, ऐसा हम लोगों ने करके रखा है। ठीक है, गुड। अब x प्लस 2 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले हम लोग ये दिमाग लगाएंगे कि x में क्या कर दे कि यहां पर x स्क्वायर हो जाए, x में क्या कर दे,
चलिए हम लोगों ने सुन रखा है एक्स इंटू एक्स इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स में एक एक्स से गुणा करेंगे तब जाकर के होगा एक्स स्क्वायर। तो यहां पर एक्स स्क्वायर की अगर बात करेंगे, अब इस एक्स का गुणा इसमें भी होगा क्योंकि ये एक टर्म है, अलग अलग नहीं है, ये एक्स प्लस टू है, ठीक है। इस एक्स का जब हम टू में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। जब ये 2x हो जाएगा तो यहां प्लस माइनस प्लस, देखिए यहां पर साइन इनवर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा समाप्त, ये कट जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स कर देंगे, प्लस माइनस माइनस का प्लस यहां पर करके ऐड करेंगे, क्या करेंगे 10x हो जाएगा, ये 8x प्लस 2x कर देंगे 10x हो जाएगा। जब 10x हो जाएगा तो यहां पर माइनस 20 बच गया है, बच गया है। अब इसके बाद की बात करेंगे, अब क्या कर दिया जाए, यहां पर माइनस हो जाएगा, इनवर्स जब करेंगे तो माइनस यहां पर हो जाएगा। अब देखिए जब यहां पर माइनस 10x माइनस 20 हो गया तो अब माइनस 10x कैसे लाएं, क्या करें कि यहां पर माइनस 10x आ जाए, तो माइनस 10 हम से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करने वाले हम लोग माइनस 10 से, माइनस 10 में x से इंटू करेंगे तो माइनस 10x होगा, होगा अच्छा। माइनस 10 का 2 में इंटू करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 हो गया कि नहीं हो गया, माइनस माइनस अच्छा यहां पर साइन इनवर्स कर देंगे, यहां पर भी साइन इनवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, घटा दीजिए भाई, काट दीजिए सीधा सीधा 10x और ये यहां पर बचा क्या जीरो, ये मैटर सॉल्व हो गया, हम लोगों को रिमाइंडर क्या मिल गया जीरो और फाइनल आंसर मिल गया x माइनस 10। ये x माइनस 10 हम लोगों का फाइनल आंसर है, जब माइनस 8x प्लस x स्क्वायर माइनस 20 को डिवाइड किया गया किससे x प्लस 2 से, तो कितनी बार में जाएगा x प्लस 2, कितनी बार में काट पाएगा माइनस 8x प्लस x स्क्वायर माइनस 20 को, तो हम कह सकते हैं x माइनस 10 टाइम में काट देगा। आई होप ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग नई नई वीडियो को आप लोगों के लिए इसलिए लेकर के आते हैं क्योंकि आपकी जानकारी को हम लोग बढ़ा सके, डेवलप कर सके। मेरे प्यारे बच्चों बने रहिए, अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने वाले हैं हम, बीच में आप लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि इसको लाइक सब्सक्राइब भी करना है क्योंकि वही तो हमारी फीस है, ठीक है, आप लोगों का प्यार ही हमारे साथ में फीस है। देखिए कुछ चीजों को पाने के लिए कुछ चीजों को खोना पड़ता है, हम रात में जग करके आप लोगों के लिए वीडियो अगर तैयार कर रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ एक लाइक सब्सक्राइब मेरे को दे दीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग एक क्वेश्चन और फैक्टराइज करके देखते हैं। इस फैक्टराइज में देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी का फैक्टराइज हम लोग करने वाले हैं। देखिए इसमें जब ए स्क्वायर, देखिए ए ए कहां पर है, देखिए ए इसमें है और ए बी इसमें है, चलिए साथ में ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं ए स्क्वायर और ले लेते हैं ए बी, क्या ले लेते हैं ए बी, ठीक है, प्लस अब लिख लेते हैं प्लस बी सी ए सी बचा, ए सी लिख लेते हैं प्लस ए सी प्लस क्या बच गया बी सी, ठीक है। आइए करके देखते हैं, इसमें से ए को बाहर ले लेते हैं, ए बाहर ले लेते हैं यहां पर, तो यहां पर बच गया क्या ए प्लस बी, ए प्लस बी से बच गया, और इसमें से हम लोग क्या ले लेंगे, इसके भी साथ में सी है और इसके भी साथ में सी है, इसमें ए है और बी है तो अलग अलग है ना, ये अलग है ये अलग है लेकिन ये सेम है, सेम है तो सी को ले लेते हैं, ठीक है, प्लस सी को ले लेते हैं साथ में। अब यहां पर सी को जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा आपको देखने से इसमें लग रहा है कि कुछ कॉमन लिया जा सकता है, हाँ लिया जा सकता है, ए बी, ए बी दोनों में है, जो दोनों में होता है वो कॉमन ले लेते हैं। अब ए बी को ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एक कोष्टक में अलग कर लेंगे और ये a प्लस सी एक साथ में हो जाएगा, ठीक है, डेट्स ऑल, ये फैक्टराइज कंप्लीट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये चैप्टर अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो एक बार जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा क्योंकि इससे और भी ज्ञान आगे तक फैल सके, आपके दोस्तों को भी आ सके,
मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए थैंक्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।